प्योर दूध नहीं देना है, थैली वाला हो या कोई भी वाला हो। बच्चे रुको, अभी अभी एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ, अभी ब्रेड डाल दो, ब्रेड डाल दो, फिर खा लेना। तो गाइज ये है मेरा इंस्टाग्राम पर, मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए हैं, तो ये उसकी खुशी में है, बट 10K नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। पूरी और कचौड़ी, मैं तो कचौड़ी खाता हूँ, कचौड़ी मेरी बहुत टेस्टी, मुझे मतलब मेरी फेवरेट है। ये है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, बहुत सारे ये लिए हैं मैंने, ब्रेड, दूध, मैंने केक पैक करा लिया है, बट उनके पास लिखने का कुछ नहीं है 10K का। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और मैं अब निकलूंगा एक घंटे बाद ग्रेटर नोएडा, क्योंकि कल भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी स्कूटी जो नई है, जो जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अभी एक नई स्कूटी ले ली है, क्योंकि उधर आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे कि कहीं आप अपने घर के डिस्टेंस से मतलब परी चौक जाओ तो 100 रुपये लेता है ऑटो वाला, क्यों ना हम 100 रुपये का तेल डलवाएं अपनी स्कूटी में, पूरा दिन घूमो फिर आप कहीं भी जा सकते हो बेफिक्र होके। तो मैं बस उसकी स्कूटी की RC इंश्योरेंस जो भी एक चीज आज मिल जाएगी, एक चीज मिलेगी नंबर प्लेट के साथ, महीने बाद या 15 दिन बाद वो मुझे फिर से बुलाएंगे, फिर मुझे जाना है। तो आज पहने मैंने ये रेड टी शर्ट हाफ स्लीव्स, तो अब मैं निकलने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मार्केट छोटा सा केक लेने, क्योंकि मेरे 10K सब्सक्राइबर हुए हैं, कम्प्लीट 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, तो मुझे उसकी बहुत खुशी है, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। चलो ये रहा इधर जी, मैंने केक पैक करा लिया है, बट उनके पास लिखने का कुछ नहीं है 10K का, और बस बोल रहे हैं कैंडल मिल जाएगी और बर्थडे सेलिब्रेशन मिल जाएगा, तो मैंने उसको कुछ लिखवाया नहीं है, यू डोंट माइंड, मतलब आप समझ जाना ये 10K का केक है। गाइज अब मेरा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10K सब्सक्राइब उसका फॉलोअर का। सो थैंक यू एवरीवन इंस्टा पर इतना सारा प्यार देने के लिए। ये आपके लिए है सबसे पहले केक, मैंने ये दिखाया जो है ये सबसे पहले आपके लिए है। तो गाइज ये है मेरा इंस्टाग्राम पर, मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए हैं, तो ये उसकी खुशी में है, बट 10K नहीं लिख पाया क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं सामान लिखने का। तुझे खाना ना ये, तो तुम लिखो। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, और हाँ मेरी ऑडियंस के लिए भी, आप सबके लिए भी, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और जल्दी जल्दी मेरे YouTube पे भी सब्सक्राइबर ज्यादा करो भाई, 1 लाख कर दो, उसकी पार्टी तो जबरदस्त होगी, और जो मैं करने वाला हूँ ना 1 लाख पे शायद वो किसी ने भी नहीं किया हो। तो क्या बोल रही हो, तुम्हारी वीडियो ना डाल दूं? नहीं, इतना सारा मैं खाती हूं। खाती हो इतना सारा आप? ये देखो ये डाइट दिखा रहा हूं, ये देखो ये बहुत खाए पूरे दिन नहाती भी ना सब दिखाऊंगा आज कितनी बड़ी डाइट है तुम्हें। तो गाइस अभी मैं बस पूरी कचौड़ी खा रहा हूँ क्योंकि आज दीदी ने करा था श्राद्ध, और अब मैं खाकर बस निकल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा के लिए। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ बट बार बार दीदी रोक लेती है, और इसको देखो सारी लाइटें कभी बंद कर देती है कभी जला देती है, तो बस मैं अब निकलने वाला हूँ। अभी गीले हैं मेरे बाल भी, आप देख सकते हो अभी नहाया हूँ ना। देखो दीदी ने आज श्राद्ध किया है और इनके यहाँ पर बनी है खीर पूरी और कचौड़ी, मैं तो कचौड़ी खाता हूँ, कचौड़ी मेरी बहुत टेस्टी है, मुझे मतलब मेरी फेवरेट है। देखो वाओ आहा, प्याज और आलू वाली, किस किस को अच्छी लगती है कचौड़ी कमेंट करो। ये देखो दीदी को देखो, ये फ्रिज में किस तरीके से काजू बादाम ये सब रखे हुए हैं, ऐसा कौन रखता है भाई, फ्रीजर में है और ये इसलिए रखे हुए हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। चलो खाएगी, इसको भी देनी है मेरे को, ले 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 खा ले खा ले मान भी। तो गाइस फाइनली मैं निकल ही गया ग्रेटर नोएडा के लिए, और ये देखो ये है ABS है, गाजियाबाद ABS, बहुत फेमस कॉलेज है, आप सबने देखा भी है। तो मैं पहुंच गया गाजियाबाद, अब मैं आ गया आंटी के घर। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया हूँ ग्रेटर नोएडा, और सबसे पहले मैं मिलूंगा आंटी से, तो देखता हूँ आंटी क्या कर रही है दोपहर में, क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूँ बस रूम से, सीधा आया हूँ आंटी के पास मिलने, क्योंकि इधर अभी कोई है नहीं, तो सबसे पहले मैं मिलूंगा आंटी से। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसी हो? बढ़िया। क्या बना रही हो?
सब्जी रोटी। इस टाइम भी आप खाना ही बना रही हो? हाँ बेटा आया ना अभी। अच्छा अच्छा, उसको खाना देना है। और आपका मन लग गया था? मैं नहीं था। नहीं नहीं लगा, मुझे पता था आंटी यही बोलेंगी। मिस कर रही थी ना। मिस कर रहे थे और आपको भी सब आपको भी सब मिस कर रहे थे पता है, बोल रहे थे आंटी कहाँ है आंटी कहाँ है। उन्हें लगा फिर मैं अपने घर गया था, मैंने कहा मैं था नहीं आंटी के पास। और मैंने आपके हाथ का खाना बहुत मिस किया। नहीं तो मम्मी का मिला ना? अच्छा। हाँ हाँ, मम्मी के हाथ का मिला। नहीं नहीं, सबसे बेस्ट है मम्मी का तो होता ही है बेस्ट, लेकिन आपके हाथों का भी जादू आंटी, ऐसी बात नहीं है। गाइस जैसा कि आप सबको पता है मेरे 10K फॉलोवर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पर, तो उसकी छोटी सी पार्टी हमने करी ली थी और आप देख भी रहे थे। तो मैं अभी डॉग्स के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए बिस्किट ले लेता हूँ, जो CNC बिस्किट होते हैं, क्योंकि वो वाले जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पार्ले जी ना, पार्ले जी के कमेंट आते हैं कि उसमें बहुत शुगर होती है, वो अच्छे नहीं रहते इनके लिए, तो मैं दूसरे वाले बिस्किट ले रहा हूँ। मैं आ गया हूँ शॉप पर, ये है स्वर्ण नगरी में। तो गाइज मैंने ले लिए हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत सारे, ये लिए हैं मैंने ब्रेड, दूध और मैंने ले लिए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड में मतलब शुगर कम रहती है, बोलते हैं कि मैरीगोल्ड खिला दो या CNC खिला दो, तो मैंने ये ले लिया उनके लिए। अब मैं उनको खिला देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और गार्ड वार्ड रहते हैं वहाँ पर, वो पता नहीं उनको खाना डालते हैं या नहीं डालते हैं। मेरा उनका बीच में भी मैंने उनको बहुत खाना खिलाया था जब इसको, गैस अभी इसको नहीं मिला है, ये देखो कितनी तेज आ रहा है भूखा भूखा। और ये इसमें है सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, ले गाइस ये देखो ये वाले डॉग है जिनकी मैं बात कर रहा था। अब मैं इनको फीड करा देता हूँ। हेलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेके आओ इनके लिए, लाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। इस इनके लिए क्या बोलते हैं, पार्ले जी बिस्किट नहीं दे सकते, तो मैं इनके लिए ये क्या बोलते हैं मैरी गोल्ड और दूध और ब्रेड, ये सब मिक्स करके दे दूंगा, बिस्किट अलग से दे दूंगा और दूध में क्या बोलते हैं ब्रेड डाल के दे दूंगा, ताकि इनका अच्छा पेट भर जाए। और ये तो प्रेग्नेंट भी है सारे, तीनों फीमेल मुझे प्रेग्नेंट लग रही है, इनका तो ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे आते रहना पड़ेगा कंटिन्यू। सही आ गया मैं इधर, भी प्रेग्नेंट है ये भी और वो भी छोटी वाली, इनको मैंने काफ़ी बार फीड कराया है, आपने इंस्टा पे भी देखा होगा। चलो अब मैं इनके लिए बना देता हूँ इनका खाना। तो गाइज ये जो पानी रखा है इनका, ये गंदा हो रखा है पूरा बुरी तरह से, इसको फेंक देते हैं और यहाँ से थोड़ा पानी लो, पहले अच्छे तरीके से इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत काई लगी हुई है इसमें, बहुत गंदा है, बंद करते हैं अब। तो गाइस थोड़ा सा पानी जरूर ऐड करना, क्योंकि इनको प्योर दूध नहीं देना है, थैली वाला हो या कोई भी वाला हो। बच्चे रुको अभी अभी एक सेकेंड रुक जाओ अभी ब्रेड डाल दो फिर खा लेना, ठीक। इसमें मैं ब्रेड डाल देता हूँ, एक अभी पहले इनको बाद में डालूंगा, क्योंकि अभी ये खा लें फिर उन, अभी एक ब्रेड और डाल के दोबारा बना देता हूँ दूध में। अभी देखो इन्होंने खा लिया है, दोनों ने फिर से खा रहे हैं, दूसरे को नहीं खाने देंगे। अब मैं जा रहा हूँ घर, जाकर ब्लॉग एडिट करूँगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।